ये तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कणक सदृश तत्कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकार, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत निज रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, चुक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिया, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून जो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी सेज सुबह छाया दे, ताके बल अंबर विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह घूम ताप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निहर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला,
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भी क्षण हूंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर दिबंध को घेरे है, नैनाक में रूपग में दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग जग चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत काल, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी मनाते, जिह्वा से करती ज्वार सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, जिह्वा से करती ज्वार सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि उधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मन, बांधने मुझे जो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई भाई पर टूटेंगे, विष्बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे। तो दोस्तों, ये तृतीय सर्ग का पहला हिस्सा था, और दूसरा हिस्सा जिसमें कर्ण से उनकी भेंट होती है और वह गलत हो गए, लेकिन यहाँ सबको सन्मार्ग पिलाने को, शांति स्थापित करने को और न्याय दिलाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। मतलब कथा तो मुझे कुछ कहनी नहीं है, पूरी कथा थी और कविता का सौंदर्य
मुझे लगता है कि रश्मि रथी में कविता का जो सौंदर्य है वह अद्भुत है। मतलब मैं दिनकर की ही और कृतियों से तुलना क्यों करूं, मतलब मुझे पंचवटी भी बहुत पसंद है, मुझे साकेत भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत से खंड काव्य बहुत पसंद है, लेकिन इसकी तो मतलब कोई बराबरी ही नहीं। अब जैसे मैं आपको दो पंक्तियां सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है पंचवटी की। जाग रहा वह कौन धनुर्धर, उसी इस पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा वह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युधि योगी सा विगत दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रति लीन वह निद्रा कार्यों त्याग किए, आगे कुछ पंक्तियां हैं और फिर जवाब कि मर्त्य लोक मालिन्य मेचने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज वही है वीर नकुल क्यों भोग रही, तो विजन देश है निशा शेष है निशा चरी माया चरी। बहुत सुंदर है। मैंने दूसरी कविता सुना दी, उतनी सुंदर लेकिन बेहद खूबसूरत ये कविताएं हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब रश्मि रथी का यह मतलब माया के ठहरने और ये शूर प्रथा के आने का वर्णन है, तो रामायण और महाभारत में कृष्ण की लीला मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई, और इससे पहले कि मैं उसमें ही केवल विभोग होकर ईश्वर की ही लीला, मतलब आप आस्तिक हो नास्तिक हो, आप धर्म में विश्वास करते हो या सर्व धर्म आस्था हो आपकी जैसे मेरी है ना, तो उसमें ये भी आता है कि अगर ईश्वर है तो असुर भी हैं, शूर्पणखा जिनकी संतान है। और एक्चुअली शूर्पणखा की बड़ी लंबी, मेरी एक मित्र हैं हाजीपुर में रहती हैं डॉक्टर प्रतिभा जी, उन्होंने शूर्पणखा पर खंड काव्य लिखा है, वो भी मैं उनसे कहती हूँ कि वीडियो बनाकर भेजें आपके लिए। लेकिन उसमें शूर्पणखा के पति विद्यु जीवा और तमाम रावण के साथ की उसकी उठा पटक की कथा है, लेकिन मतलब भाई बहन के तकरार की कथा। लेकिन फिलहाल कि ईश्वर के रूप का जो वर्णन है, हरि ने भी क्षण ओंकार किया अपना स्वरूप व्यवस्था किया, यानी चमत्कारी रूप दिखाया ईश्वर ने, वैसे ही जैसे ईसा मसीह जी उठे थे, वैसे ही जैसे कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाते बढ़ाते उसकी रक्षा की, उसकी लज्जा की। लेकिन बड़ा जघन्य प्रकरण है, ऐसा जघन्य प्रकरण है, एक स्त्री को ले जाकर आप ऐसा करें, और दोस्तों राज्यसभा में है ना, राज दरबार में कितना ये जगह, और मतलब जगह तो ये कहने का मतलब नहीं, मैं ये सब उस दिन कह रही हूँ जिस दिन यह देश एक बार फिर बलात्कार की पीड़ा से शर्मसार और दर्द में है, मतलब हम कष्ट में होते हैं कि कब खत्म होगा यह युद्ध। एक्चुअली कहा गया है कि रेप इज अ वेपन ऑफ वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो ये मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों अभी यूगोस्लाविया की लड़ाई में, और कहाँ नहीं, कहाँ नहीं सीरिया में और इराक के इस स्टेट में और पता नहीं कहाँ। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि यह जो रूप विकराल किया ईश्वर ने, आप उसमें आस्था की हो ना हो, ये उसी तरह है जैसे अगर मोहम्मद साहब का कोई बहुत सुंदर चमत्कारी किस्सा सुनने को मिले, मैं तो अभी भूत होकर सुनूंगी, तो उसी तरह से ये जो बात है ना कि अमरत तो खोलता है मुझमें संहार झूलता है, मैं हूँ तुम्हारा जन्मदाता। और यह इतना सुंदर इसलिए है, मेरे पिता कहते थे कि कृष्ण का व्यक्तित्व तो नियति का प्रतीक है, लेकिन मैं उनसे हमेशा असहमत रही और अब भी कि कृष्ण का व्यक्तित्व तो नियति के चक्रों की खिलाफत और उसके बचाव का भी प्रतीक है।
गत और अनागत काल देख, यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी पड़ी भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। कि यही होने जा रहा है हे दुर्योधन, तुम रोको इसे अगर रोक सकते हो मेरी बात मानकर, लेकिन कृष्ण की बात नहीं मानी गई। धृतराष्ट्र और विदुर सुख पा रहे थे यह सुनकर कि ईश्वर के साक्षात दर्शन का मौका आया है ना, और इतना ज्ञान, ये भी एक ज्ञान का ही वो है जहाँ ईश्वर अपना परिचय दे रहे हैं। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं मैनाक निरुपम मेरे। तो बावजूद इस विकट विकराल रूप के कोई नहीं माना, कर्ण की कथा आगे आएगी, उसने क्या कहा वह भी बहुत सुंदर है, लेकिन रश्मि रथी के काव्यात्मक सौंदर्य की व्याख्या और उसकी तुलना करना मुश्किल है। इतना सुंदर है वह कि मैं बार बार उसकी व्याख्या करते पंक्तियाँ ही उद्धृत करते खुद को पाती हूँ क्या कथा कहती है। इतने विरोधाभासों और इतने जटिल चरित्रों का इतना सुंदर चित्रण अद्भुत है। तो एक बार फिर दिनकर जी को नमन और आपको भी सादर धन्यवाद सुनने के लिए। बताइएगा।